ये तो यहीं पे 150 पहुंच गई। ओ, ब्रेक लेने पड़ेंगे, ब्रेक थोड़ा सा टच हो जाएगा। बच गया बच गया बच गया बच गया। अभी इतना सही से जो है लैंड करना नहीं आता। इन तीनों खेतों में मैं जितनी भी फसल लगाई थी वो सारी की सारी मैंने हार्वेस्ट कर ली है, और यहाँ पे जितना भी हार्वेस्ट का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। और मैं इससे पहले 3 बार जाके जो है ये पूरा अपना ट्रॉली है ये सेल करके आ चुका हूँ, और इससे काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया है। और अभी थोड़ा सा जो है इस हार्वेस्टर के अंदर रहता है कनोला जो हार्वेस्ट किया है, और बाकी जो है कुछ इस ट्रॉली के अंदर पड़ा हुआ है। तो अब ये ट्रॉली ऑलमोस्ट वैसे फुल ही हो जाएगी। एक बार देख लेता हूँ कितनी है ये, और जो इस हार्वेस्टर में उसे निकाल लेते हैं और इसको भी सेल कर लेते हैं, तो यहाँ का अपना काम हो जाएगा पूरा। और आज चलना है सारी बाइक्स परचेज करने, जितनी भी बाइक्स हैं सारी की सारी मैं परचेज करने वाला हूँ, क्योंकि अब बैलेंस आ चुका है और अपने फार्म पे वापस चलना है, और वहाँ पे अपने गैराज में जो है सारा कलेक्शन बनाना है बाइक्स का। और ये थोड़ी सी एक लाइन रह गई है शायद करोला की जो ये हार्वेस्ट कर रहा है, इसे भी हार्वेस्ट करने देते हैं तो पूरा काम हो ही जाएगा। वैसे अपनी ट्रॉली 83% फुल हो चुकी है तो 100% फुल हो ही जाएगी, तो इस वाली ट्रॉली को भी सेल कर देंगे और उसके बाद निकल लेंगे यहाँ से। और बाकी अपना कैंप वगैरह मैं यहाँ पे रहने दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अपने 3 खेत हैं, इन्हें फिर से कल्टीवेट करना है और इनमें कोई और क्रॉप लगानी है, वो देखेंगे अभी कौन सी क्रॉप लगाएंगे। और क्योंकि अभी टोटल मिला के 4 खेत ही हैं, 3 यहाँ पे हैं और 1 अपने फार्म के पास है, तो अपने फार्म के पास जो है उसमें जो क्रॉप लगाएंगे वही क्रॉप मैं यहाँ पर लगा दूँगा, सारी क्रॉप एक जैसे हो जाएंगी। या फिर मैं उस वाले फील्ड को सेल करके यहाँ पर 7 वाला फील्ड ले लूँगा, तो खेत अपने सारे एक साइड हो जाएंगे और अपना फार्म जो है सेपरेट हो जाएगा। और फार्म पर अपने एनिमल्स का काम रहेगा, काउस का, हॉर्स का, चिकन्स का, हनी भी है वहाँ पर। तो अब ये वाला काम तो हो गया कंप्लीट, अब इसको अनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। और ये वर्कर भाग गया होगा काम कंप्लीट करके, तो इसका पाइप जो है अपने आप बाहर नहीं आएगा, ये पाइप मुझे मैन्युअली बाहर करना पड़ेगा। तो हार्वेस्टर का ये वाला जो पाइप है जिससे ये इसमें अनलोड करेगा और पहुँचेगा, वैसे लग तो रहा है पहुँच जाएगा, हाँ पहुँच गया थोड़ा सा, हाँ बस हो गया। तो ये हार्वेस्टर का काम तो पूरा हो चुका है और अब यहाँ के सारे फील्ड हार्वेस्ट भी हो चुके हैं, तो ये हार्वेस्टर की कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है नहीं, क्योंकि मैंने लीज पर लिया हुआ है, ये मुझे वापस करना पड़ेगा। इसको वापस करते हैं, नहीं तो इसका फालतू में जो है बिल चलता रहेगा। ये वाला हार्वेस्टर है, इसको वापस किया, और इसका हेडर भी वापस कर देता हूँ। इसका हेडर है ये वाला, तो ठीक है ये हो गया। और बाकी ये वाले जो ट्रैक्टर हैं दोनों भी लीज पे हैं, एक बार देख लेता हूँ कौन से हैं, इन्हें वापस कर देता हूँ। तो अभी चल के जो सामने ग्रेन मिल है इसमें सारा का सारा कनोला अनलोड कर देता हूँ। वैसे तो मैं इस कनोला को रख भी सकता हूँ, बट मुझे नहीं लगता अपने किसी काम ये आने वाला है, क्योंकि किसी प्रोडक्शन में तो ऐसा यूज़ में आता नहीं है। इसको भी सेल ही कर देते हैं अपनी प्रोडक्शन में, तो यूज़ में जो आते हैं उसमें शॉर्गम वगैरह और वीट चाहिए होता है और शुगर केन चाहिए होता है शुगर मिल के लिए। और वैसे इन दोनों ट्रैक्टर को देख लूँ कौन से हैं, इन्हें वापस कर दूँ। एक तो है ये जॉन डियर 7810, और ये कौन सा है, ये है फास्ट ट्रैक JCB का। ये JCB वाला तो रख लेता हूँ, तो ठीक है ये जॉन डियर वाला वापस कर देता हूँ। जॉन डियर 7810 नहीं, ये लीज पे नहीं है, ये जॉन डियर 7010 मेरा परचेस किया हुआ है, तो अपना परचेस किया हुआ है, इसको यहीं पे रहने देता हूँ। मुझे लगा लीज पे इनमें से एक ट्रैक्टर, तो बट ये लीज पे नहीं है, मैंने परचेस ही कर रखे हैं। लीज पे मैं आजकल आइटम कम ही लेता हूँ, क्योंकि उनका फालतू में बिल चलता है, तो एक बार परचेस करने पे ठीक रहता है, परचेस करके जो है आइटम सीधा अपना ही रहता है। और ये ट्रैक्टर जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि लीज पे है, इसको भी मैं आज वापस करने वाला हूँ, और फिर इसी ट्रैक्टर को मतलब सेम मॉडल सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैं बाय कर लूँगा। और ये वैसे कॉस्टली है, 3-3.5 लाख के आसपास है, वो देख लेंगे अभी कितने का है। और मेरे को उस ट्रॉली को दूसरी साइड से लाना पड़ेगा रिवर्स करके, क्योंकि डायरेक्ट तो ट्रैक्टर जाता नहीं है इसके अंदर। ये मैंने रिवर्स करके लगा लिया है और इसे अनलोड करने की ऑप्शन आ गया, इसको सारे को अनलोड कर देता हूँ, और उसके बाद इस ट्रैक्टर को यहीं से वापस कर दूंगा। अब ये ट्रॉली पीछे देखनी पड़ेगी, जो ट्रॉली लगी हुई है ये लीज पे है या फिर परचेज्ड है, इसका मुझे ध्यान नहीं है, काफ़ी टाइम पहले परचेज की थी। तो ये हो गया अनलोड पूरा का पूरा, और अभी देख लेते हैं लीज पे क्या क्या है। लीज पे ये ट्रॉली तो मैंने जो है परचेज की हुई है, सिर्फ ट्रैक्टर लीज पे है, और ये स्लरी टैंकर लीज पे है। स्लरी टैंकर की तो रिक्वायरमेंट पड़ती है अपने फार्म पर, और बेल लोडर, एनिमल्स ट्रॉली, और ये परचेज आइटम यहाँ पर आ जाएंगे मेरे परचेज आइटम्स में। ये ट्रेलर, हाँ ये ट्रेलर परचेस्ड आइटम में है, तो ये ट्रेलर अपना ये है। तो एक काम करता हूँ ना, इस ट्रेलर को मैं यहाँ पे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ट्रैक्टर को मैंने अगर वापस किया तो ट्रैक्टर यहीं से चला जाएगा, ये ट्रेलर यहीं पे रह जाएगा। तो इस ट्रैक्टर को वापस करने से पहले मैं इस ट्रेलर को अपने कैंप के पास पार्क कर देता हूँ, और बाद में यहीं पर रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, क्योंकि मेरे खेत तो सारे के सारे यहीं पर हैं। तो ये ट्रैक्टर मैं फिर से जब लेके आऊँगा परचेज करके, तब इसको यहीं से अटैच कर लूँगा। फिलहाल यहाँ साइड में करके पार्क कर देता हूँ इसको, बस यहाँ पर ठीक है, ये इसको हटा दिया, और अब इस ट्रैक्टर को यहीं से वापस कर देता हूँ, तो ये यहीं से जो है वापस हो जाएगा। ये रहा ट्रैक्टर, और फिलहाल इसको वापस कहने का टाइम आ चुका है, और ये ट्रैक्टर सबसे लंबे टाइम तक मैंने यूज़ किया है। इसको कर देते हैं रिटर्न, ये हो गया ट्रैक्टर रिटर्न, और ट्रैक्टर यहाँ से जा चुका है। और अब यहाँ से जो है एक गाड़ी ले लेता हूँ, क्योंकि अब चलना है मेरे को शोरूम के पास, और वहाँ से लेनी है मुझे बाइक्स।
और गाड़ी तो ये वाली गाड़ी ले लेते हैं सबसे बढ़िया, और फटाफट से चलता हूँ एक बार, और वहाँ से जो है बाइक लेके जानी है, बाइक सारी ले जाके अपने गैराज में पहुँचानी है। और ये वाली लोकेशन फार्मिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है यहाँ पे। ओ देख के, ओ भाई क्या कर रहा है, झाड़ियों में गाड़ी घुसवा दी यार, सामने से सीधा आ रहा है, मोड़ भी नहीं रहा। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये लोकेशन फार्मिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे जो खेत हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं और सीधे भी हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं हैं। अपने वहाँ पे क्या है, फार्म के पास जो खेत है ना, एक तो वो छोटे हैं और ऊपर से जो है ज़्यादातर खेत ना टेढ़े हैं, मतलब एक साइड से, मतलब प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं है वो, इस साइडों से जो है बिल्कुल टेढ़ा एंगल जा रहा है उनका। तो वहाँ पे जो है वर्कर्स, अगर मैं काम कराता हूँ ट्रैक्टर में तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू रहता है, वर्कर्स बार बार अटक जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे साइज़ भी बड़ा है और सीधे भी हैं, तो वर्कर्स प्रॉपर काम कर लेते हैं, मुझे ज़्यादा ध्यान देना भी नहीं पड़ता। ये आ गया मैं शोरूम पे, और यहाँ से जो है बाइक्स परचेज करना शुरू करते हैं। तो बाइक साथ सारी परचेज़ करनी है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है बाइक, अगर मैं सारी भी परचेज़ करूँ तो कितना खर्चा आने वाला है, 1 लाख यूरो भी खर्चा नहीं होगा। तो पहले अप्रीलिया से ही शुरू करते हैं, और इसमें कलर की तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक सिंगल कलर आता है, यही ग्राफिक्स वगैरह लगे हुए। हेलमेट की ऑप्शन है तो हेलमेट तो लेना है ही इसका, तो इसको बाय कर लेते हैं पहले। और पहली बाइक आ चुकी है आज की, और ये है बाइक, और सही लग रही है काफ़ी ज़्यादा देखने में। एक काम करता हूँ, मैं सारी बाइक्स पहले परचेज़ ही कर लेता हूँ ना, यहाँ से एक एक करके लेके चला जाऊँगा उनको, फिर और भी बाइक्स मैं ले ही लेता हूँ, इकट्ठी आ ही जाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा ये ले लेते हैं, ये क्या नाम है इसका, पेगासी बाटी 801 RR, और इसमें तो ऑप्शन है डिज़ाइन के, ये तीसरे वाला मेरे को सबसे पसंद आया था, 4 डिज़ाइन है वैसे, तीसरे वाला सबसे सही है। और इसमें हेलमेट के साथ लेना है इसको भी, तो इसको भी बाय कर लेते हैं। और इसके अलावा है ये BMW S1000 RR, और इसमें ग्रे है, ब्लू, ग्रीन, रेड, ग्रे ठीक लग रहा है इसका सबसे ज़्यादा। और व्हील सेटअप में ये वाली व्हील्स में डिफरेंस क्या है, दो तरह के व्हील हैं, एक ये वाले थोड़े ज़्यादा बेटर लग रहे हैं मेरे को, ये वाला ले लेते हैं। 3 बाइक हो गई, और ये वाली लेनी है, ये तो ऐसी ठीक लग रही है, इसमें आपको कस्टमाइजेशन कराएंगे ज़रूरत नहीं है। और ये तो मैंने ले ही रखी है, और ये एक है ये वाली, चलो इसको भी ले लेते हैं, ये 10,000 यूरो की है। 4 बाइक्स हो चुकी है, और इसके अलावा एक और स्पेशल चीज़ आज ऐड हुई है इस गेम में, आ चुका है हेलीकॉप्टर, मैं इसमें हेलीकॉप्टर भी परचेज कर सकता हूँ। और ये हेलीकॉप्टर और ज़्यादा महंगा नहीं है, ये सिर्फ 45,000 यूरो का है, तो एक हेलीकॉप्टर में परचेज कर ही सकता हूँ, तो इसको भी ले ही लेते हैं अपने कलेक्शन में, एक हेलीकॉप्टर आ जाएगा अपने फार्म पर, हेलीकॉप्टर खड़ा करेंगे, और इससे काफ़ी आसान रहेगा क्योंकि जो अपने खेत हैं वो अब अलग जगह पर हो चुके हैं, फार्म अलग जगह पर हो चुका है, और काफ़ी डिस्टेंस है उनके बीच, और हेलीकॉप्टर से मैं फटाफट उनके बीच ट्रैवल कर सकता हूँ। बाकी इसमें हेलीकॉप्टर में ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं, बस GPS की ऑप्शन है, वो मुझे लगवाना नहीं है क्योंकि सारा मैप मैंने देखा ही है यहाँ का, तो सब पता ही है, इसको तो सीधा बाय कर लेते हैं। तो अब आ चुके हैं यहाँ पे, ये अपनी बाइक्स, ये अपनी गाड़ी खड़ी है, और ये खड़ा है अपना हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर वैसे देखने में ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, बट ठीक है, इस गाड़ी से कंपेयर करेंगे तो हाँ, गाड़ी के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ये अपनी बाइक्स का कलेक्शन है यहाँ पे, और सबसे पहले जो बाइक लेके चलनी है वो ये वाली देख लेते हैं, ये इसकी तो आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, ये बाइक तो देखने में काफ़ी ज़्यादा सही है। और इसमें ये हेलमेट का जो ग्लास है ये बंद हो जाता है, हाँ ये बंद हो गया, और ये ऊपर हो गया, और इसका हॉर्न कैसा है इसका, स्कूटी ज़्यादा, चलो इसे, ओह टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा, ये ओ नहीं भाई, आराम से ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये सही है। तो ये बाइक मेरे को लगता है सबसे फास्ट होगी, या फिर अप्रीलिया शायद इससे ज़्यादा फास्ट होगी, वो देख लेंगे। इसकी टॉप स्पीड 299 की है, और अभी फ़िलहाल ये थोड़ी सी देर में ही 100 तक पहुंच जाती है। अभी तो इन सारे व्हीकल्स को यहाँ बाहर ही पार्क करता हूँ, अपने फार्म पे काफ़ी जगह है व्हीकल पार्क करने के लिए, और अभी जाके अप्रीलिया को लेके आता हूँ। तो ये है अप्रीलिया, और इसकी टॉप स्पीड है 340 की है, मतलब उससे ज़्यादा तेज़ चल सकती है, और इसे भी लेके चलते हैं, और हाँ ये उससे तेज़ है, ये तो यहीं पर 150 पहुँच गई। ओ, ब्रेक लेने पड़ेंगे ब्रेक, ये हेलमेट का शीशा अब इसका ही बंद हो जाता है और खुल जाता है, और इसका हॉर्न भी स्कूटी ऐसा है, हॉर्न तो मेरे को लगता है सब में एक जैसा ही लगा दिया है स्कूटी का लेके। हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, बट इसकी आवाज़ इतनी सही नहीं है, आवाज़ BMW की काफ़ी ज़्यादा सही थी। एक मिनट इसको यहीं घुमा के देखता हूँ, यहाँ पर कितनी स्पीड पकड़, यहीं पे 100 पहुंच गई, बच गई, अभी गिरते गिरते बचे है, इसको भी इसके साथ ही पार्क करता हूँ यहाँ पे।
ये हो गई। और अब मैं सोच रहा हूँ पहले हेलीकॉप्टर ले आऊँ, हेलीकॉप्टर मुझे चला के देखना है क्योंकि हेलीकॉप्टर फर्स्ट टाइम आया है शायद इस गेम के अंदर, और हेलीकॉप्टर अभी तक मेरे को पता भी नहीं है चलाना कैसे है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं पहले हेलीकॉप्टर को ही। इसे उड़ाने का देख लेते हैं अभी, वैसे तो इसे उड़ाना ज़्यादा टफ नहीं होगा। और इसका इंजन कैसे स्टार्ट हो रहा है, मतलब जैसे वो नॉर्मल इंजन होता है ना ट्रैक्टर, जैसे जो पुराने ट्रैक्टर का इंजन होते हैं वैसे इसका इंजन स्टार्ट हुआ, बट इसका इंजन वैसे काफ़ी पावरफुल होगा। 600-700 BHP के आसपास था जहाँ तक मेरे को याद है, मैंने देखा था जिसको परचेज़ किया था। फिलहाल ये स्टार्ट तो हो गया है, और थोड़ी सा यहाँ से पहले ऊपर लेके चलते हैं, इतनी हाइट काफ़ी है और सामने ही अपना फार्म है वहाँ तक लेके जाना है। और ये है तो काफ़ी सही, इससे जो है ट्रैवल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। बाकी इसका अंदर का व्यू भी देख ही लेते हैं एक बार। इसकी कॉकपिट में काफ़ी सारे ऑप्शन है, इसका तो कुछ समझ नहीं आने वाला इतना ईजिली, बाहर का व्यू कर लेता हूँ। तो इस हेलीकॉप्टर को सामने उतारना है वहाँ पर, इसको चिकन कूप के पास उतार देता हूँ, यहाँ पर जगह है, थोड़ी हाइट नीचे करनी शुरू कर देते हैं अभी सही ना। वैसे तो सीधा एक जगह पे उतर सकता है, थोड़ा सा टच हो जाएगा, बच गया। अभी इतना सही से जो है लैंड करना नहीं आता, थोड़ा सा चलाऊंगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसको घुमा के ऐसे करके लगाते हैं इधर की साइड, बस ज़्यादा घूम गया ज़्यादा, बस यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, पहली बार में लेके तो आ गया यहाँ तक, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तक लेके आ पाऊँगा क्योंकि मुझे पता नहीं था हेलीकॉप्टर चलने वाला कैसे है, बट अभी ठीक है, अभी एक दो बार चलाऊंगा तो फिर इसका आइडिया हो जाएगा कि इसको कैसे टेक ऑफ करना है और कैसे लैंड करना है। बाकी अभी बाइकें रहती हैं, बाइक मैंने यहाँ पे पार्क कर रखी है और अपना हेलीकॉप्टर यहाँ पे पार्क हो रखा है, तो अपनी बाइकों को भी ना अभी हेलीकॉप्टर के पास ही पार्क कर देता हूँ इधर ही। ये अभी जगह खाली है इस साइड की, अब दो तीन बाइकें और रह गई, दो रह गई शायद, उन्हें और लेके आता हूँ, तीन और रह गई अभी। एक तो ये है मोपेट और एक ये है, ये वाली ले चलते हैं पहले, और एक सुपर बाइक और रह गई उसको और देखना है उसकी टॉप स्पीड कितनी है। और ये वाली मेरे को सही लग रही है तो ये काफ़ी ओल्ड स्टाइल, बट देखते हैं इसकी आवाज़ वाज कैसी है। इसकी आवाज़ तो स्कूटर जैसी है बिल्कुल, एकदम एग्जैक्टली स्कूटर जैसी आवाज़ है, जैसे पुराने स्कूटर्स की आवाज़ आती थी, और चलने पर वही आवाज़ आ रही है। ये तो प्रॉपर स्कूटर जैसा आवाज़ कर रहा है इसका इंजन, इसका इंजन शायद स्कूटर वाला ही है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। और इसके साथ में हेलमेट नहीं आया, और उसकी बैठने की पोजीशन भी थोड़ी मेरे को अलग सी लग रही है, उसके सस्पेंशन भी काफ़ी हार्ड है, आवाज़ कर रहे हैं। और इसकी स्पीड तो 115 की है, बट ये अभी 70 तक पहुँची है, 115 तो काफ़ी है इसके हिसाब से, वैसे भी जो है ये इतनी तेज़ चलने लायक मेरे को लग नहीं रही। फिलहाल यहाँ से जो है उतार लेते हैं, कच्चे पक्के में से यहाँ से तो ईजिली उतर गई। हाँ थोड़ा जंप ले रही है, मतलब सस्पेंशन हार्ड है इसके, हैंडल का इसका स्टाइल तो अच्छा है, काफ़ी झुक के आगे बैठने वाला, कैफे रेसर टाइप की सी है ये। यहाँ फंस गई, इधर बाहर से निकालनी पड़ेगी। इसको भी यहीं पे पार्क करता हूँ हेलीकॉप्टर के साइड में, ये हो गई। इसको सबसे बाद में लेके जाऊँगा, अभी इस वाली जो ये सुपर बाइक है ना इसको देख लेते हैं, इसकी स्पीड मुझे चेक करनी है। ये 300 किलोमीटर पर आर की इसकी मैक्सिमम स्पीड है, तो ये सेकंड नंबर पे है, BMW S1000 की 299 है, और सबसे फास्ट तो अप्रीलिया है, तो इसकी आवाज़ भी अप्रीलिया जैसी है, नहीं इसकी अप्रीलिया जैसी आवाज़ नहीं है, इसकी तो सही है। बाकी ये कितना पहुँचते हैं यहाँ तक देख लेता हूँ, थोड़ी डिफरेंट सी आवाज़ है इसकी, ये तो 180 पहुँच गई, बट सबसे फास्ट अप्रीलिया ही है। सही है, बट इसकी लुक काफ़ी अच्छी है, इसके ग्राफिक्स वगैरह काफ़ी बढ़िया है। हो गई है बाइक्स वगैरह, तो अब बस एक छोटी सी बाइक रहती है उसको ले आता हूँ। और इसकी आवाज़ तो है ही डिफरेंट, मतलब इसकी आवाज़ एक्चुअल में जैसी होती है ना वैसी ही है, गेम में भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसी आवाज़ कर रही है जैसी असली में आवाज़ करती है। बाकी इसका तो छोटा सा इंजन है, 51 की इसकी मैक्स स्पीड है, इसको मैं खेतों में घूमने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इसकी फ्यूल कंजप्शन भी कम है, और इसके फ्यूल टैंक 5 लीटर का है, और नीचे इसके फ्यूल टैंक का लिखा आ रहा है कि इसमें अभी 5 लीटर फ्यूल है, और 5 लीटर में तो मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा चलेगी। इसकी एवरेज तो 100 से भी ज़्यादा की होगी, 500 किलोमीटर तो ईजिली निकाल ही देगी, क्योंकि यहाँ पर घूम रहा है, खाना तो उसको डाल देता है। अभी बार फिर से चेक कर लेंगे कि इसका खाना वगैरह है या नहीं है। बाकी इसके अलावा एक बाइक और है जो अंदर मैंने पार्क कर रखी है, उसे ही मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और अपना बाइक्स का कलेक्शन सारा का सारा यहाँ हेलीकॉप्टर के साथ खड़े कर लेते हैं, और फिर देखते हैं अपनी बाइकें कैसी लग रही हैं। तो ये घड़ी अपनी जावा 250, ये मैं पहले यहाँ पार्क कर गया था, और ये वाली काफ़ी सही लगी मुझे, और इसमें विंडशील्ड वगैरह जो आगे लगी हुई है ये भी काफ़ी सही है, ये प्रॉपर टूरिंग वाली बाइक है। तो अपने बाइक का कलेक्शन पूरा यहाँ पर मैं बाहर लगा देता हूँ,
ये हो गई अपनी 6 बाइक और 1 हेलीकॉप्टर। तो ये अपना नया कलेक्शन है आज का। इसमें से 1 बाइक मैंने पहले परचेज कर ली थी, 5 बाइकें आज परचेज की हैं और हेलीकॉप्टर मैंने आज परचेज किया है। तो अब अपने फार्म पे सारी बाइक्स पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा जो शोरूम पे नई बाइक्स आएंगी उन्हें भी मैं ले ही आऊँगा। तो अभी तो बाइक्स को यहीं खड़े रहता हूँ, बाद में इन बाइक्स को अंदर गैरेज में पार्क कर दूंगा। बाकी अपना खेती बड़े काम तो अभी के लिए हो गया है। दोबारा नई क्रॉप लगाने से पहले मेरे को यहाँ पे एनिमल्स पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने इन एनिमल्स पे ध्यान नहीं दिया है। तो अभी तो एक घोड़ा तेज़ दौड़ भी नहीं पा रहा, आराम से चल रहा है, थोड़ा सा इसको तेज़ दौड़ाते हैं क्योंकि इनकी ट्रेनिंग भी टाइम टाइम करानी ज़रूरी है। मैंने ज़्यादातर घोड़ों को यहाँ पर ट्रेन कर रखा है और ये सामने काउ वान में तो काउस आराम से घूम रही है। बाकी इनका मिल्क वगैरह काफ़ी सारा इकट्ठा हो गया, इनका मिल्क भी जो है मुझे सप्लाई करना है डेयरी के अंदर। और बाकी 2-3 नए ट्रक भी आए हैं और एक टैंकर आया है स्पेशली मिल्क डिलीवरी के लिए, वो भी नेक्स्ट वीडियो में परचेज करेंगे और इस मिल्क को डिलीवर करूंगा मैं डेयरी के पास। बाकी आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।